हे नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोहित भरतपुर में। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में स्थित भरतपुर जिले में जसवंत प्रदर्शनी का आयोजन क्यों किया जाता है। तो गाइज, इस टॉपिक पर हम आज की बात करने वाले हैं। तो आपके लिए बता देते हैं गाइज, भरतपुर रियासत के स्वर्गीय महाराज जसवंत सिंह जी की याद में इस प्रदर्शनी तथा पशु मेले का आयोजन गत वर्षों से किया जा रहा है लगातार। तो आने वाले सालों में भी इस मेले का भव्य नज़ारा हमको देखने को मिलेगा, यही आशा है हमको। और प्रतिवर्ष यह मेला अक्टूबर से और नवंबर माह में लगाया जाता है दीपावली के आसपास, तभी इस मेला को भरतपुर दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया श्री जसवंत प्रदर्शनी के बारे में। अब हम बात करेंगे पशु मेला क्यों बोलते हैं भरतपुर के मेले को। तो एक्चुअली मैं बता दूं आपके लिए, बिकॉज तो इस मेले में हरियाणा नस्ल के बैलों का काफ़ी उल्लेख किया जाता है। जो हरियाणा शहर है वहाँ के जो नस्ल के बैल होते हैं, गाय होती हैं, उनका यहाँ पर उनको यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ पे ला के ख़रीदा बेचा जाता है, तो इसलिए इसको पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई आपके लिए बता देते हैं, जो पशु मेला है इसका आयोजन पशुपालन विभाग की ओर से सन 1958 ईस्वी में किया गया था, और 1958 ईस्वी से लगातार आज 2022 तक कंटिन्यूस जसवंत प्रदर्शनी का आयोजन होता आ रहा है। पिछले तीन साल 2019-20-21 कोरोना काल में भरतपुर मेले का आयोजन नहीं हो सका। दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला है ना जो, वो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेलों में से एक है। भरतपुर का जसवंत पशु मेला हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो हम बात, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मेला आखिर होता क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन बता देता हूँ, एक मेले की परिभाषा के द्वारा समझा देता हूँ। जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोग किसी सामाजिक, धार्मिक एवं व्यावसायिक या अन्य कारणों से एकत्र होते हैं तो उसे मेला कहते हैं। ये मेले की सीधी सीधी परिभाषा है। और जो भारतवर्ष है उसमें हर साल अलग अलग राज्यों में मेलों का आयोजन होता आ रहा है। और इनकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों, काफ़ी अलग अलग इनकी विशेषता भी होती हैं। कहीं पे कोई सा पहनावा होता है, कहीं पे खान पान का फ़र्क होता है, संस्कृति का फ़र्क होता है, हर स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है, तो इसलिए वहाँ के जो मेले होते हैं उनका भी अलग अलग वर्णन देखने को मिलता है। और जो वहाँ की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वहाँ के क्रियाकलाप होते हैं, वो भी तरह तरह के देखने को मिलते हैं। और विभिन्न प्रकार की दुकानें एवं मनोरंजन के साधन हो सकते हैं मेलों में। और भारत की जो विशेषता है, भारत तो मेलों के लिए प्रसिद्ध है ही है। और गाइस, यहाँ पर हर 50-50 किलोमीटर के दायरे में आपको मेले लगते नज़र आ जाएंगे। और राजस्थान का जो सबसे पॉपुलर जो मेला है वो अपने आप में कहलाता है पुष्कर का मेला। आपको भी पता होगा और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया पुष्कर के मेले के बारे में। दोस्तों, ये जो मेले होते हैं इनकी एक विशेषता और होती है, ये धार्मिक होते हैं। और जो पशु मेले होते हैं ना, वो व्यापार तथा कृषि मेले के लिए जाने जाते हैं। और मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, सबसे पॉपुलर मेला राजस्थान के पुष्कर ज़िले में लगता है। और जो हिंदुस्तान का, भारत का सबसे प्रसिद्ध मेला है वो होता है कुंभ का मेला, ये हम सभी को पता है। भारत के राजस्थान राज्य में भी काफ़ी मेले आयोजित होते हैं जहाँ कुंभ सबसे बड़ा मेला है। वहीं शहीद मेला देश में स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए महानायकों की याद में आयोजित होने वाला सबसे लंबी अवधि का मेला है। तो आइए दोस्तों, ये छोटा सा नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैंने जितनी भी वीडियो थी भरतपुर मेले की, वो सारी उनका एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है, तो आप प्लेलिस्ट जाके सारी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। धन्यवाद। राधे राधे।